सुन्नत पाक समझ गए कि मेरे सोने नबी दी सुन्नत है। तुसा सुनया नहीं सादा को लोग उलमाए इकराम को लोग भाई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अपनावी है कि अल्लाह पाक 100 शहीदों का सवाब अता फरमांदा है। कदे कदे घर में हजूर की सुन्नत समझ के कद्दू शरीफ पकाया करो, ये बड़ी शफावान है, बड़ी शफा है, मेरे नबी की पसंद जो है। तो सहाबी रसूल का जवान बेटा कोल बैठा, बस एवं मेरा मुंह में निकल गया भाई मैनू तो ये पसंद ही नहीं, जिन्ना ते इंसानों को अपनी इबादत के वास्ते पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर करने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ना जब सहाबी रसूल ने सुने आए मेरे पुत्र ने आखे मैनू कद्दू शरीफ का साधन पसंद नहीं है, तवज्जो करो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ना हदीस पाक दे अंदर आंदा है सहाबी रसूल ने जनाबे वाला सोटा कढ़ लिया डांग छिकड़े अपने पुत्र दे पीछे लग गया मारन दा इरादा कीता वे अल्लाह अकबर जवान पुत्र अग्गी अगे दौड़दा है बुड्ढा बाप पीछे पीछे दौड़दा है लोगों ने पूछे क्यों मारना है जवान पुत्र भला जवान पुत्र नु कौन मारदा है सहाबी रसूल कहता है लोगों मुस्तफा दे नामे लग जावे साडी हयाती भी मुस्तफा दे नामे लग जावे साडियां जिंदगियां भी मुस्तफा दे नामे लग जावन साडे माल भी मुस्तफा दे नामे लग जावन साडियां जानां भी मुस्तफा दे नामे लग जावन औलाद भी मुस्तफा तो कुर्बान है कायनात दी हर शै मुस्तफा दे कदमां तो कुर्बान है असी ते नौकरी मुस्तफा दे आ कमली वाले आका दे गुलाम आ इन्हें किवें आख्या मैं इन्हों कदे जिंदगी अंदर माफ नहीं करांगा मैं कदे जिंदगी के अंदर इन्हों माफ नहीं करना इन्हें मेरे मुस्तफा की गुस्ताखी की मेरे आका की सुन्नत की बेअदबी की पर मैं कुर्बान जावां जरा तवज्जो करो ओ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों सीरत दी किताबां दे अंदर आंदा है उस बाप ने अपने बेटे नाल सुलह नहीं की सुलह हदीस पाक के अंदर आता है जो सहाबी रसूल के मरण का टाइम आया ना प्रोफेसर जुबैर साहब जो मरण का टाइम आया